अमित शाह ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा अब तक की वोटिंग में बसपा सपा का सूपड़ा साफ, यूपी में फिर बनेगी बीजेपी की पूर्ण बहुमत सरकार। बांदा में ओवैसी की चुनावी रैली, कहा बुंदेलखंड से होगा बीजेपी का सफाया, पिछड़े लोगों का हुआ सबसे ज्यादा उत्पीड़न। अखिलेश यादव ने गर्मी वाले बयान पर सीएम योगी को घेरा, कहा बाबा का भाप निकाल देंगे नौजवान और किसान, पहले और दूसरे चरण में ही सपा लगा रही सीटों का शतक। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने की नुक्कड़ सभा, कहा यूपी में नहीं मिल रहा युवाओं को रोजगार, हम महिलाओं को दे रहे एमएलए बनने का मौका। नमस्कार, स्वागत है आपका, देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। संभल में स्वास्थ्य विभाग की संवेदनहीनता देखने को मिली है, सड़क हादसे में घायल युवक को ठेले पर लेकर परिजन अस्पताल पहुंचे, कैमरे में स्वास्थ्य महकमे की संवेदनहीनता की तस्वीरें कैद हो गई, अस्पताल में घायल को स्ट्रेचर नहीं दिया गया, बिना एम्बुलेंस के ठेले पर रखकर घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, मामला जिला संयुक्त चिकित्सालय का है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, संभल की तस्वीरें हैं जो संवेदनहीनता की नई प्रकाष्ठा को दिखाती हैं। आपको बता दें कि संभल में स्वास्थ्य विभाग की ये तस्वीरें संवेदनहीनता को जाहिर करती हुई, सड़क हादसे में घायल युवक को ठेले पर लेकर परिजन अस्पताल पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कैमरे में ये सभी तस्वीरें कैद हुई हैं, स्वास्थ्य महकमे की संवेदनहीनता दर्शाती ये तस्वीरें अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अस्पताल में घायल को स्ट्रेचर तक नहीं दिया गया और इसी तरीके से ठेले पर खाट पर लेकर घायल को परिजन घूमते रहे, अस्पताल के अंदर ले जाते हुए दिखे, जिसकी तस्वीरें भी आप अभी देख सकते हैं। संभल में बारात पर दबंगों ने पथराव कर दिया, जिसमें ट्रैक्टर चालक समेत दो लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दबंग घर के आगे से बारात नहीं निकलने देना चाह रहे थे और छत से पथराव कर रहे थे। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। मामला गुन्नौर थाना के गांव बिजुआ नगला का है। बारात पर दबंगों ने पथराव किया है, संभल से खबर आपको दिखा रहे हैं। पूरी जो घटना है वो गुन्नौर थाना क्षेत्र के गांव बिजुआ नगला की बताई जा रही है। आपको बता दें कि आरोप है कि दबंग बारात नहीं निकलने देना चाह रहे थे और छत से पथराव कर रहे थे। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। तो पूरा मामला वह नगला का आपको बता रहे हैं। संभल में बारात पर दबंगों ने पथराव कर दिया है, ये बड़ी घटना, जिसमें ट्रैक्टर चालक समेत दो लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दबंग घर के आगे से बारात नहीं निकलने देना चाह रहे थे और छत से पथराव कर रहे थे। संभल से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दबंगों का कहर देखने को मिला है। दबंगों जो चाहते थे कि बारात ना निकले, ऐसा आरोप है पीड़ित पक्ष का कि दबंगों की ओर से कहा गया था कि बारात ना निकाली जाए, लेकिन बारात निकलने पर दबंगों ने अपनी छतों से पथराव कर दिया। तो संभल से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक ट्रैक्टर चालक समेत कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बारात पर दबंगों का कहर टूटा है। आपको बता दें कि संभल में बारात निकल रही थी, ऐसे में दबंगों ने उसके ऊपर पथराव कर दिया। पूरा मामला जो है, जब वह नगला का बताया जा रहा है, बिजुआ नगला का ये पूरा मामला है, गुन्नौर थाना क्षेत्र है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संभल से हमारे साथ प्रदीप मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, क्या है पूरा मामला, घटना किस वजह से हुई है? जी मैं आपको बताता हूँ, ये बारात चालक का मामला था। सड़क पर जैसे गाड़ी क्रॉस हो गई, वही दो पक्षों में तो उसके बाद मारपीट हुई थी, जिसमें दो लोग घायल हुए हैं जी। और ये बारात नहीं निकलने देना चाह रहे थे, ये क्या मसला है, बारात क्यों नहीं निकालने देना चाह रहे थे? नहीं, बारात मतलब जो दमंग लोग थे, दमंगों के घर के आगे बारात पहुंचती है तो बारात को रोक लेते हैं, गाना बजाने को लेकर मन करते हैं, गाना बजाओ हमारे आगे मत बजाओ, अभी कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं, क्या है घायल? घायलों को जिला अस्पताल में भेज दिया गया,
बाकी जो दबंग बताए जा रहे हैं जिन लोगों ने मारपीट की है उनके ऊपर कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई? जी पुलिस कह रही है लगातार दबिश दी जा रही है, अभी फरार हैं वो लोग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो संभल से घटना आपको बता रहे हैं जहां पर बारात निकल रही थी, लेकिन बारात में जैसा कि अभी हमारे संवाददाता ने बताया कि बैंड बाजे को लेकर कहासुनी हुई, कहासुनी के बाद दबंगों ने बारात पर पथराव कर दिया। अच्छा तो उसे भी पथराव किया गया है जिसके चलते कुछ लोग घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। बांदा के तिंदवारी पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में बहुजन समाज पार्टी और सपा की सरकार रही तो केवल गुंडागाज ही रहा है। अभी तक की वोटिंग में सपा और बसपा का सूपड़ा साफ हो चुका है और पूर्ण बहुमत से बीजेपी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। अमित शाह ने धारा 370 का बखान करते हुए अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग कश्मीर पर धारा 370 हटाने को लेकर कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी, जो कश्मीर में किसी को एक कंकड़ मारने की हिम्मत नहीं हुई, हमारी सरकार सबको पूर्ण सुरक्षा दे रही है और विकास की गति को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। कहा धारा 370 हटेगी तो खून की नदियां बहेगी, खून की नदियां। अरे अखिलेश बाबू, किसको डराते हो भाई? हम डरने वालों में से नहीं है। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को हटा दिया। खून की नदियां छोड़िए, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। अगर फिर से आने वाली नहीं है मगर अगर फिर से गलती से भी साइकिल की सरकार लाए ना, तो उत्तर प्रदेश से पूरे देश में आतंकवादियों को सप्लाई करने का काम होगा। मित्रों, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर चलती है। मित्रों, बुंदेलखंड सालों से जब से बुंदेलखंड को जब जानते हैं तब से बुंदेलखंड प्यासा है। जल संकट बुंदेलखंड की बहुत बड़ी समस्या थी। मैं सपा बसपा बसपा सपा 15 साल शासन किया। मैं उन दोनों को पूछना चाहता हूं, बुंदेलखंड के जल संकट के लिए आपने क्या किया? इसका हिसाब लेकर बुंदेलखंड की जनता के लिए आइए। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बुंदेलखंड को जल संकट के बचाने के लिए ढेर सारी योजनाएं लेकर आए थे। अखिलेश बाबू, आपके राज में तो 2000 किसान भूख से मर गए थे अकाल के कारण, मगर आपके पेट में कोई प्रकार का दर्द नहीं होता था। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड से बीजेपी का सफाया होगा। बीजेपी के लोग मुझको तालिबानी कहते हैं, पर मैं जमहूरियत पर विश्वास करता हूं। बाबू सिंह कुशवाहा के साथ जुड़िए, पिछड़े लोगों का बहुत उत्पीड़न हुआ है। अल्पसंख्यक को तमाम पार्टियों ने फुटबॉल बनाकर रखा है, तब भी अल्पसंख्यकों को इन लोगों से कोई फायदा नहीं हुआ है। तो बांदा से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां ओवैसी आज जमकर बरसे और सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अल्पसंख्यकों को फुटबॉल बनाकर रख दिया है और अल्पसंख्यकों को आज तक कोई फायदा नहीं हुआ है। बाबू सिंह कुशवाहा खड़े हो चुके, नरेंद्र मोदी जैसे 100 भी आ जाए, योगी जैसे 1000 भी आ जाए, हम इनको हराएंगे। आपको गरीब और पिछड़े समाज को एक होना है, अपनी तकलीफ को आपको देखना है। याद रखो, जिसके पेट में दर्द होता है उसको अजवाइन खाना पड़ता है। अगर तुम्हारे पेट में दर्द है, मैं दवा खाया तो तुम्हारा पेट का दर्द कम नहीं होगा। तो वहीं गोंडा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर हमला बोला है।
गलवान घाटी में हुए संघर्ष को लेकर संसद में दिए गए राहुल गांधी के बयान की आलोचना करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने करिश्माई काम किया है। उत्तर प्रदेश में 83 योगासन विकास कर रहा है और एक योगासन छोड़ दिया है। विपक्ष के लिए उस योगासन का नाम है शीर्षासन। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल को गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने प्राचीन इतिहास नहीं पढ़ा है, लेकिन उन्हें आजाद भारत का इतिहास पढ़ लेना चाहिए। अखिलेश यादव पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि बीजेपी दंगे की चोट पर सरकार बनाने की बात करती है, सपा दंगे की चोट पर सरकार बनाएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमने किसी पर कभी आक्रमण नहीं किया, लेकिन भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को हम इस पार भी मार सकते हैं और उस पार भी जाकर मार सकते हैं। हम भारत का सिर झुकने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में अब तक केवल गोलियां बना करती थी, अब हम लोगों ने ऐसी इंडस्ट्री डाल दी है, डिफेंस कॉरिडोर बना दिया है कि बहनों भाई, अब उत्तर प्रदेश में गोली ही नहीं बल्कि अब गोले भी बनेंगे। ऐसे हालात अब उत्तर प्रदेश में पैदा। अभी कुछ ही समय पहले ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की फैक्ट्री जिसका शिलान्यास पहले किया है। बहनों भाइयों, यहां पर उत्तर प्रदेश की धरती पर कोई कल्पना नहीं करता यहां ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में शायद आप जानते नहीं होंगे। ब्रह्मोस मिसाइल से बहनों भाइयों, यहां बैठे बैठे 400, 500, 600, 800 किलोमीटर की दूरी पर आपका दुश्मन है तो आप सीधा मार कर सकते हैं। यह है ब्रह्मोस मिसाइल। मेरे बहनों भाइयों, आपका भारत अब यह कमजोर भारत नहीं है। आपका भारत अब यह दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था, दुनिया गंभीरतापूर्वक हमारी बातों को नहीं सुनती थी। कहते थे लोग भारत है, बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, बोलने के लिए। आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह है भारत की ताकत। हमने दुनिया को एक साफ संदेश दे दिया, भारत का चरित्र है कि भारत ने आज तक दुनिया के किसी देश पर कभी कोई आक्रमण नहीं किया है और दुनिया किसी देश की एक इंच जमीन पर भारत ने कब्जा किया है। कुशीनगर के पडरौना में ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्यों के सम्मान समारोह को संबोधित करते पहुंचे बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री आरपीएन सिंह ने कहा कि हम जिसकी कल्पना करते और सोचते थे बीजेपी के शासनकाल में सभी कार्य हो रहे हैं। योगी और मोदी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में जिस तरह के विकास का कार्य हो रहा है, बड़ी बड़ी परियोजनाएं आ रही हैं, वो निश्चित तौर पर विकास की एक नई गाथा लिखेंगे। गोरखपुर में फर्टिलाइजर, एम्स और तमाम मेडिकल कॉलेज, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सड़कों का जाल बिछ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में गरीब जनता के आंसू पोंछने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। पीलीभीत पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने मंच पर पहुंचते ही कहा कि पहले और दूसरे चरण में हम सीटों का शतक लगा चुके हैं, तीसरे और चौथे चरण में भी इसे दोहराएंगे और सेंचुरी मारेंगे। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी पर काका नाम से तंज कसा। वापस हुए 3 कृषि कानूनों को अखिलेश यादव ने काका बताया। पीलीभीत में अपने 45 मिनट के संबोधन में अखिलेश ने कहा कि काका गए तो अब बाबा भी जाएंगे। अखिलेश ने योगी के गर्मी निकालने वाले बयान पर कहा कि नौजवान और किसान इस बार बाबा की भाप निकाल देंगे। समाजवादियों ने तय किया है कि घरेलू बिजली के लिए 300 यूनिट माफ होगी, कोई बिजली का बिल 300 यूनिट नहीं आएगा। और अपने किसानों को सिंचाई के लिए बिजली फ्री, कोई पैसा किसानों को नहीं देना पड़ेगा। जब से समाजवादियों ने 300 यूनिट फ्री कहा है, भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई है और ट्रांसफॉर्मर फूट गया है। अखिलेश यादव, सबसे बहुत लंबी भी बात की जा सकती है, लेकिन मैं जानता हूँ पीलीभीत के लोगों ने मन बना लिया है पार्टी को जिताने के लिए। बताओ चारों जिताओगे कि नहीं जिताओगे? बरेली वाले जानते हैं कि कितनी सीटें जीत के आ रहे हो। No! No! No!
बताओ पहली बार ऐसा चमत्कार हो रहा है, बरेली सब सीटें जीत रहे। रायबरेली की नुक्कड़ सभा में प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में रोजगार मिल ही नहीं रहा है। प्रियंका गांधी ने विरोधियों पर हमला करते हुए कहा कि चुनाव आने पर वादा करते हो कि रोजगार देंगे, अब तक क्यों नहीं दिया? आप विकास की बात नहीं करते, आप नहीं बताते कि महिलाओं के लिए आपने क्या किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि आधी आबादी की बात पार्टियां क्यों नहीं कर रही हैं, महंगाई और समाज का बोझ कौन उठाता है? ये लोग सोचते हैं कि महिलाओं को एक गैस सिलेंडर दो और वो खुश हो जाएंगे। हम 40% महिलाओं को विधायक बनने का मौका दे रही है। अस्पतालों में महिला डॉक्टर और हर ब्लॉक के अस्पताल में एक महिलाओं के लिए कमरा होना चाहिए, हम इसकी बात कर रहे हैं। महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में पाठशाला होनी चाहिए, ये हम वादा कर रहे हैं। ये छोटे जानवर है, अगर इसको आप घर में पाल लो तो उसके गोबर को सरकार 2 रुपए किलो में खरीद रही है, तो गोबर की खरीद रहे। लेकिन गोबर खरीद के स्वयं सेवा समूह की महिलाएं हैं तो आपने वर्मी कंपोस्टिंग किया होगा। हाँ। तो क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है वो कहती है कि अगर आप आवारा पशु को घर में रखोगे या उनको संभालोगे उनकी देखभाल करोगे तो हम 2 रुपए किलो गोबर आपसे खरीदेंगे। खरीद के वो स्वयं सेवा समूह की जो महिलाएं हैं उनको देते हैं और वो महिलाएं फिर उसकी वर्मी कंपोस्टिंग करती हैं, गोबर गैस बनवाती हैं उनसे, तो वो गोबर काम भी आ जाता है सरकार के, जनता के काम भी आ जाता है। और इससे क्या होता है कि लोग फिर घबराते नहीं है, अगर हमारा पशु है अपने पास रखने में कोई समस्या नहीं है क्योंकि वो उनको कुछ मिल रहा है, गोबर बेच के उनको पैसा मिल जाता है, उससे ही देखभाल हो जाती है। तो एक समस्या काफी हद तक दूर हुई है और गौशालाएं भी जो पूरी योजना है गौशालाओं की और सब कुछ, जिससे ये समस्या तकरीबन छत्तीसगढ़ में हल हो चुकी है। अब आपसे मैंने पूछा महंगाई कितनी है, गैस सिलेंडर कितने का है, रोजगार कितने मिले, क्यों पूछा? क्योंकि इन चीजों से पता चलता है कि सरकार अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है। क्योंकि सरकार का काम होता क्या है? सरकार का काम होता है आपका विकास करना, आपकी यहाँ सड़कें बनाना, पानी दिलवाना, अपने बच्चों के लिए शिक्षा के संस्थान बनाना, पाठशालाएं चलनी चाहिए, सेहत की सुविधाएं होनी चाहिए, नौजवान इतने हैं इनके लिए रोजगार के मौके मिलने चाहिए, यह होता है सरकार का काम। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में, मैं 3 सालों से पहले तो सिर्फ आपके यहाँ काम करती थी रायबरेली अमेठी में, अब 3 सालों से पूरे प्रदेश में घूमी हूँ और हर जिले में तकरीबन में गई हूँ, हर जिले में समस्या ही समस्या दिखती है और यही दिख रहा है कि जो सरकार को काम करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं। एक दो चीजें कर रहे हैं, जैसे आपको राशन मिल जाता है जिस जिसको मिलता है, या फिर कहते हैं कि खाते खोले हैं और उसमें पैसा डालेंगे थोड़ा बहुत। औरैया के मंडी समिति से जिला प्रशासन और पुलिस की सुरक्षा के घेरे में ईवीएम के साथ 1281 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। औरैया की 3 विधानसभाओं में कुल 10,15,158 मतदाता हैं, जिसमें 4,62,180 महिलाएं और 5,52,934 पुरुष मतदाता हैं। 855 मतदान केंद्र, 1281 मतदेय स्थल, 13 जोनल मजिस्ट्रेट, 126 सेक्टर मजिस्ट्रेट की निगरानी में कल मतदान शुरू होगा। इसके साथ ही हमीरपुर की 2 विधानसभाओं के लिए भी कल मतदान होगा, जिसको लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। हमीरपुर में 517 मतदान केंद्र, 972 मतदेय स्थल, 10,658 नए मतदाता, दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोलिंग बूथ पर व्हीलचेयर, कोविड पॉजिटिव और 80+ बुजुर्ग मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र की भी व्यवस्था की गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनपद हमीरपुर की 2 विधानसभाएं हमीरपुर और राठ में 20 तारीख को मतदान प्रक्रिया संचालित होगी और मतदान सकुशल, निर्विघ्न, शांतिपूर्वक, भयमुक्त वातावरण में कराने के लिए हम लोगों ने सारी तैयारी कर ली है। हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, हमारी पोलिंग पार्टी, सबको ड्यूटी मिल चुकी है। ट्रेनिंग हम लोगों ने बहुत अच्छी कराई है। जहाँ जहाँ ऑब्जर्वर महोदय ने
माइक्रो ऑब्जर्वर लगाने की जरूरत समझी, उन बूथों पर हम लोगों ने माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए हैं। हम लोग 60% बूथों पर वेबकास्टिंग करा रहे हैं। इसके अलावा पूरे जनपद में अब की एक विशेष है कि हम सभी पोलिंग पार्टीज को बसों से भेज रहे हैं। आगरा में ताजमहल का दीदार करने के लिए आने वाले पर्यटकों को अब एक नया अनुभव मिलेगा। भारतीय पुरातत्व विभाग ने ताजमहल परिसर में बृहद वृक्षारोपण और सौंदर्यीकरण का काम किया है, जिससे अब पर्यटकों को एक नए अंदाज में ताजमहल का दीदार होगा। एएसआई में श्रृंखलाबद्ध मामलों में मनमोहक पौधे लगाने का काम किया है, जो ताजमहल की खूबसूरती और चार चांद लगाने का काम कर रहा है। सहारनपुर के थाना गंगोह शेरमऊ मार्ग पर सलारपुरा के पास बाइक और ऑटो की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घायलों को सीएचसी में भर्ती करवाया है। तो सहारनपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां एक बाइक सवार की मौत हुई है और एक अन्य जो है वो घायल बताया जा रहा है, जिसको पुलिस ने सीएचसी में भर्ती कराया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।